नमस्कार, मैं संजय राजपूत MGCI के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह हमारा तीसरा वीडियो है और इस तीसरे वीडियो में हम कोशिका विज्ञान के तीसरे वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है अंतः झिल्ली तंत्र या इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अंतः झिल्ली तंत्र या जिसे क्या कहा गया है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अंतः झिल्ली तंत्र हम उसे कहते हैं जो सारी झिल्लियां कोशिका के अंदर एक ही कोशिकांग से निर्मित हुई है और वो मुख्य कोशिकांग हमारे सामने है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। इस अंतः प्रद्रव्य जालिका की जो झिल्ली है उसी झिल्ली से सारी झिल्लियां निर्मित हुई है, इसीलिए इसे कहा जाता है अंतः झिल्ली तंत्र इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें कुल 4 ऐसे कोशिकांग है जो मुख्य भाग लेते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका: गाल्जीकाय, लाइसोसोम और रिक्तिका या वैक्यूल्स। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये घिरी होती है दोहरी इकाई झिल्ली से। दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका। ER इज सराउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन। इसमें दोहरी काय झिल्ली होती है और इसका मुख्य कार्य है स्त्रावण या सिक्रीशन। सिक्रीशन ये कई सारे पदार्थों का स्त्रावण करती है जैसे प्रोटीन, लिपिड, इसके साथ साथ कोशिका भित्ति को बनाने वाले पदार्थ। इसे कहा जाता है अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन। अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन का सीधा मतलब है जैसा कि हमारे शरीर में अंतः कंकाल बना होता है हड्डियों का, वैसे कोशिका में अंतः कंकाल बना होता है यहाँ पर ER का या अंतः प्रद्रव्य जालिका का। और अंतः कंकाल के कारण ही हमारे शरीर को आकार मिलता है और ER कोशिका को प्रदान करती है आकार। तो इस ER का मुख्य कार्य है स्त्रावण करना और साथ ही साथ ये अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन सिस्टम का निर्माण भी करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कोशिकांग है गाल्जीकाय या गाल्जी बॉडी। गाल्जीकाय या गाल्जी बॉडी की अगर बात करें तो ये भी दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। इट इज आल्सो सराउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ER। ER की कुछ झिल्लियां टूटकर ही निर्माण करती है गाल्जीकाय का और गाल्जीकाय का मुख्य कार्य है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन को देसी भाषा में कहा जाता है पैकेजिंग। जैसे सर्फ का निर्माण एक फैक्ट्री में हो रहा है और सर्फ के पाउडर को पैकेट्स या थैलियों में बंद करके 1 किलो, आधा किलो इस प्रकार पैकेट बनाए जाते हैं। में भी गाल्जीकाय जो प्रोटीन निर्माण होता है उस प्रोटीन निर्माण के पश्चात उस प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन करके उसे कुछ थैलियों में बंद करती है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसाइलेशन या पैकेजिंग देसी भाषा में कहा जाता है। प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात प्रोटीन की संरचना में होने वाले परिवर्तन को ही ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन की संरचना के पश्चात प्रोटीन की संरचना में सो प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात प्रोटीन की संरचना में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। स्ट्रक्चरल चेंज इन प्रोटीन आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। तो इस प्रकार हमने दो कोशिकांग देखे। अब हम तीसरे कोशिकांग की तरफ चल रहे जिसका नाम है लाइसोसोम। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। वो लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम का निर्माण गाल्जीकाय तथा ER दोनों कोशिकांगों से होता है। लाइसोसोम घिरा होता है एकल इकाई झिल्ली से। इट इज सराउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर इज राउंडेड। इसकी संरचना गोलाकार होती है। इस गोले में भरे होते हैं 30 से 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम्स। इट इज फिल्ड विथ 30 to 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम है, जल अपघटनी एंजाइम ऐसे एंजाइम है जो कोशिका में तोड़फोड़ का काम करते हैं। जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में तोड़फोड़ का काम करती है JCB, वैसे ही 30 से 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम कोशिका में तोड़फोड़ का काम करते हैं। इसी कारण इन्हें कहा गया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम। इस लाइसोसोम को एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई, एक महत्वपूर्ण नाम दिया गया है आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग्स। आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग इसलिए कहा गया क्योंकि जब शरीर के अंदर
भोजन या सीधी सी बात करें हम कि जब व्यक्ति अनशन पर बैठ जाता है, उपवास पर बैठ जाता है या अत्यधिक बीमार होता है, उस समय वो भोजन लेना बंद कर देता है और शरीर में भोजन की कमी से ये लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है और सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम कोशिका में बिखर जाते हैं और इससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इसे कहा गया है आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग्स, की अपनी कोशिका को ही मार देती है क्योंकि इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका के कोशिकांगों का भक्षण कर लेते हैं। Hence it is known as suicidal bags. इस कारण से कहा जाता है suicidal bags. अब हम चलते हैं चौथे अंत झिल्ली तंत्र के कोशिकांग की तरफ, जिसका नाम है वृक्तिका या vacuoles. चौथा महत्वपूर्ण कोशिकांग वृक्तिका या vacuoles है, जो कि अंत झिल्ली तंत्र या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग है। वृक्तिका भी घिरा होता है एकल इकाई झिल्ली से। Vacuoles is also surrounded by single unit membrane and this membrane is known as टोनोप्लास्ट. इस झिल्ली को नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिक्तिका की झिल्ली को क्या नाम दिया जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा गया है। Vacuole is surrounded by single unit membrane and this membrane is known as टोनोप्लास्ट. इस रिक्तिका का मुख्य कार्य है जल तथा अपशिष्ट पदार्थों का। इस रिक्तिका या वैक्यूल्स का मेन फंक्शन है इट स्टोर्स वाटर एज वेल एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। ये दो महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है, जल तथा अपशिष्ट पदार्थ का इसमें संचय होता है और इसी कारण इसे स्टोर हाउस भी हम कह सकते हैं। तो रिक्तिका के अंदर जल तथा अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं, जो कि इसका मुख्य कार्य है। तो रिक्तिका के बाद हम चलते हैं अगला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है और ये झिल्ली विहीन कोशिकांग है। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल एंड इट इज मेम्ब्रेनलेस। इसमें इकाई झिल्ली अनुपस्थित होती है और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। राइबोसोम दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, प्रोटीन प्लस आरएनए। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो 50% प्रोटीन और 50% आरएनए है। दोनों से मिलकर बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन सिंथेसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसी कारण इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा गया है? राइबोसोम को। तो राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। धन्यवाद।